आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सांसदों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। आज से शुरू हुए संसद सत्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रोटम स्पीकर के रूप में उड़ीसा से लगातार 7 बार जीत हासिल करने वाले सांसद भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई। आज और कल सारे सांसदों का शपथ सदन में होना है। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होना है। 27 जून को राष्ट्रपति समवेत सदन में अभिभाषण देंगी और उसके बाद 28 जून को सदन में कार्रवाई होना है। 29 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नेता सदन लोकसभा में अभिभाषण पर अपना संबोधन देंगे और उसके दूसरे दिन राज्यसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दरअसल इस बार सशक्त विपक्ष अपने पूरे दमखम के साथ सदन पहुंचा है, लिहाजा पहले ही दिन राहुल गांधी अपने सहयोगियों के साथ हाथ में संविधान लेकर संसद में पहुंचे। सदन की कार्रवाई के पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा काटा। दोस्तों, दरअसल ये परंपरा रही है कि जो भी संसद में वरिष्ठतम सदस्य पहुँचता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि कोडी कुनील सुरेश चूंकि 8 बार सांसद चुने गए हैं, लिहाजा उन्हें ही प्रोटम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सुरेश लगातार चुनाव नहीं जीते हैं, लिहाजा उनके वरिष्ठता का सवाल ही नहीं होता। भर्तृहरि महताब को प्रोटम स्पीकर बनाया गया है जो लगातार 7 वर्ष से चुनाव जीत रहे हैं। ये तो मामला प्रोटम स्पीकर विवाद का रहा। अभी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आने वाले दिनों में संसद में संग्राम देखने को मिल सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री ने सारे सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की उम्मीद रखती है। विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाते हुए देश के आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री के नए संसद गठन सत्र के पहले बगैर नाम लिए आपातकाल का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साध लिया। साथ ही जनता को भरोसा दिया कि तीसरी बार की सरकार में 3 गुना मेहनत देश की जनता के लिए करेंगे। चलिए आज हम संसद के शुरू हुए कार्रवाई पर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर सत्तारूढ़ दल के सामने सशक्त विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। लेकिन सुन लेते हैं कुछ बयान। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है, संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। तो सुना किस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी एक नए तेवर में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को विपक्षी नेताओं के प्रथम पंक्ति में बैठने का स्थान भी आवंटित हो चुका है। चूंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपनी आमद दर्ज कराई है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक सशक्त विपक्ष है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। अब पहले जैसे हालात संसद के भीतर देखने को नहीं मिलेंगे। मुद्दे कई हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से NTA को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है। एक के बाद एक परीक्षाओं के निरस्त होने से लेकर नीट को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी दलों को एक बड़ा हथियार देते हुए नज़र आ रहे हैं इस संसद सत्र की कार्रवाई में। जाहिर सी बात है,
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि देश जो है वो सर्वसम्मत से चलेगा। देखने वाली बात होती है कि 18वीं लोकसभा में निश्चित तौर पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, चलिए हम सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय तिवारी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हुए हैं, अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारतीय जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विनय जी के पास। विनय जी, आज से 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया चल रही है, नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह वगैरह सब ने शपथ लेना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से बवाल हुआ है प्रोटम स्पीकर को लेकर के, एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से भारती हरि महताब को प्रोटम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है, हालांकि प्रोटम स्पीकर की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी होती है कि वो नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद नए स्पीकर की चयन प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें विवाद की हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? हालांकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस के सुरेश की बात कांग्रेस कर रही है उनके सांसद हैं, 8 बार बेशक वो चुनाव जीते हैं लेकिन लगातार वो चुनाव नहीं जीते हैं, जिस तरह से भर्तृहरि महताब 7 बार लगातार चुनाव जीते हैं। तो ये विवाद का कोई इशू नज़र आता है क्या? संजय जी, लोकसभा का आज पहला दिन है और जो औपचारिकताएं होनी चाहिए वो लोकसभा अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर चुकी है। हम लोग जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके का विपक्ष गया है और जैसा आकलन हम लोग या जैसा संदेह कर रहे थे, उसी के अनुसार विपक्ष ने अपना जो है रवैया दिखाया है, अपना रूप दिखाया है। अभी तो प्रोटम स्पीकर की ही बात चल रही है, ज़्यादा आपने ही बताया कि ज़्यादा उनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं होते हैं, केवल उनको जो माननीय सांसद जो जीत के गए हैं इस लोकसभा के लिए, उनको शपथ ग्रहण केवल कराना होता है, इसके अलावा और उनका कोई और काम नहीं होता। लेकिन इसमें भी विवाद पैदा हो गया और इससे ये पता चलता है कि अगले जो 5 साल हैं, वो 5 साल में आपसी मतभेद किस तरीके से सामने आएंगे उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज ही दिखाई पड़ी जी। रही चीज विपक्ष की बात, तो विपक्ष ने आज जो है लोकसभा में अपना संविधान की कॉपी लेके गए हैं सारे उनके जो सांसद हैं, और अभी राहुल गांधी का बयान भी आ रहा था, उन्होंने बोला कि जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम लोग जो है अंकुश लगा चुके हैं, अब वो उस तरीके से जनादेश उनके पास नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर पाएंगे। ये बात तो सही लगती है कि ठीक है, एक निरंकुश शासन नहीं चाहिए जी, लेकिन जिम्मेदारी जितनी सदन चलाने की सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है जी। और हमें इस बार का विपक्ष दिशाहीन और भ्रमित विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। अगर मैंने ये 2 शब्द यूज किए हैं तो एक लॉजिक के साथ मैं कह रहा हूँ, दिशाहीन और भ्रमित वो इसलिए है कि उसको पता ही नहीं है। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि विपक्ष जीत गया है, अगर जीत गया है तो उसको दावा पेश करना चाहिए था, तो दावा ही नहीं पेश किया। अब अगर किसी ने दावा पेश भी किया है तो वो बता रहे हैं कि वो अल्पमत में है, तो उस हिसाब से विपक्ष नकारा भी हुआ कि जिस सदन में मजबूत विपक्ष हो वहां पे अल्पमत की सरकार कैसे चल सकती है, एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए। अगर अल्पमत की सरकार चल रही है मजबूत विपक्ष के सामने, तो ये विपक्ष का नकारा पड़ गया। चलिए, ये तो देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ दिशा दशा होती है, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र की ये बड़ी खूबसूरती रही है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष ने अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है और उसका परिणाम भी देश हित में रहा है। केसी जैन साहब, आवाज़ आ रही है? जी, मिल रही है। भाई, निश्चित तौर पर तीसरी सरकार बनाने
और आज आप लोग फिर एक बार सदन में मोदी जी को नेता सदन की हैसियत से देख रहे हैं, इस बात का आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन चुनौतियां भी काफ़ी कम है, काफ़ी कम नहीं है, क्योंकि सशक्त विपक्ष आपके सामने है। ऐसे में जिस तरह से मुद्दा उठा है प्रोटम स्पीकर का, और अभी 26 जून को जब स्पीकर का चुनाव होना है, डिप्टी स्पीकर को लेकर के विपक्षी मांग कर रहे हैं कि उनको ये सीट मिलनी चाहिए, तो अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निश्चित तौर पर विपक्षी दल पूरे दमखम के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, और हमेशा से ये परंपरा भी रही है कि जो दल सबसे बड़ा दल होता है वो अपना प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और उसके बाद में स्पीकर भी उसी पार्टी का होता है। लेकिन जो विपक्ष है वो पहले दिन से अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है, और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए हम इस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे, दो दो बार रहे, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसके पहले अटल जी की भी सरकार रही, तो हम लगातार चुनौतियों को स्वीकार करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और रही बात चुनौती की, देखिए हमें लगता है उससे बड़ी चुनौती है, विपक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती है कि देश को आगे किस प्रकार से ले जाए, देश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर किस प्रकार से ले जाना है। और इस चुनौती को माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इसको स्वीकार किया है, और 18-18 घंटे काम करके देश को लगातार आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, मोदी जी ने, ये मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं हूं, तीसरी बार मैं 3 गुना ताकत से भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को सिरमौर पे ले जाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम 3 गुना ताकत से काम करेंगे। तो हमें लगता है असली चुनौती तो ये है कि देश को कैसे मजबूत किया जाए, और इसमें अब देखिए चुनाव हो चुका है, अब भी अगर विपक्ष चुनावी मोड में है तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही बुरी स्थिति उनके लिए। अब सब लोगों को मिलकर के देश को कैसे आगे ले जाना है, सदन का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ हंगामा करना मकसद रहेगा विपक्ष का, या देश को आगे ले जाने के लिए चर्चा करना भी इनका मकसद रहेगा, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन जहां तक चुनौती की बात है, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनौती स्वीकार करते हुए हर एक चुनौती से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, केसी जैन साहब आगे ले जाने के लिए संकल्प है। केसी जैन साहब, आज पहला दिन था 18वीं लोकसभा, यानी एक कहा जा सकता है कि यूथ लोकसभा है ना, 18 का अपना महत्व होता है। जैसा कि मैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहा था संसद में जाने के पहले, 18 का महत्व उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग खुद मौका दे रहे हैं कि विपक्षी दल बौखलाएं। आपातकाल की याद दिलाने की आज क्या आवश्यकता थी, ये तो बाद में भी दिलाया जा सकता था। तो बात बात में प्रधानमंत्री जी निशाना साधने से भी चूकते नहीं हैं। देखिए आपातकाल वास्तव में देश के लिए वो काला काल रहा है, वो काला समय रहा है, वो 2-2.5 वर्ष की बात नहीं। उन 2-2.5 वर्षों में देश कितना गर्त में गया, कितना पीछे गया। 47 में आजादी होने के बाद में अगर हम 75 में आपातकाल में 2-2.5 साल तक रहते हैं, तो हम फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं आजादी के समय की स्थिति, इतना पीछे ढकेल दिया, कलमकारों की कलम तोड़ दी गई। साथ ही साथ जो लोग विपक्ष के लोग, जिस विपक्ष की बात आज कांग्रेस कर रहा है, जिस विपक्ष के अधिकारों की बात आज कांग्रेस कर रहा है, उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने इन सारी चीजों को तिलांजलि देते हुए अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को जेल के अंदर स्लो पॉइजन तक देने का काम किया, और जनता की आवाज को जिस प्रकार से कुचलने का दबाने का काम किया, तो ऐसा लगता था जैसे हम फिर से एक ऐसे देश में पहुंच गए हैं जो एक गुलाम देश। जितने भी विपक्ष के नेता, लेकिन जैन साहब आज तो प्रधान आज कार्य किया गया, जैन साहब आपातकाल को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको कोई भी आजाद भारत के इतिहास का कोई बहुत बेहतरीन पन्ना नहीं मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आज अब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर्वसम्मत से सरकार चलेगी और एक तरफ आप उनको कहीं ना कहीं उकसाने का भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि विवाद तो बढ़ेगा ना फिर। देखिए, जो काले अध्याय रहे हैं हमसे, हमको उनसे भी प्रेरणा लेनी कि उस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, उस तरीके की चीजें ना दी। काले अध्याय का दोहराने का यह मतलब नहीं है कि हम सिर्फ किसी की कमियां बताएं। काले अध्याय या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से देश को कितनी क्षति हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी हमेशा काम को प्रेफरेंस देते हैं और देश को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से एकजुट होकर के काम करना, इस पे बल देते। ऐसे में अगर उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सबक लेना चाहिए और सिर्फ मिलती जुलती उससे छोटी सी भी कोई गलती ना हो तो उन गलतियों से मिलती जुलती कोई गलती। चलिए, क्योंकि एक गलती का परिणाम सदियों तक उसको भुगतना पड़ता है और देश जिस प्रकार से गर्त में चला गया, पीछे चला गया, उस तरीके की चीजों की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, हमें लगता है इसी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने की बात। चलिए चलिए, ठीक है, अमित को मैं शामिल कर लेता हूँ चर्चा में। अमित भाई, प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, एक तरफ वो बोले कि विपक्षी दलों की क्या क्या भूमिकाएं उन्होंने गिना दिया। सत्तारूढ़ दल के बारे में उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत से फैसले लिए जाएंगे और काम आगे बढ़ेगा, देश को 2047 का उन्होंने विकसित भारत का सपना भी दिखा दिया। लेकिन आपको कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपातकाल भी याद करने वाला, आज से दो दिन बाद वो काला दिन भी आने वाला है जो भारत के इतिहास का एक चैप्टर था, एक अध्याय था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग जो संविधान लेकर के संसद में पहुंचे हैं उसको एक जवाब देने की कोशिश की है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सदैव देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ा है, कभी भी उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। इन्होंने विगत 10 वर्षीय सरकारों में कुछ चंद धन्ना सेठों के सहारे जो राज्य सरकारों को, दर्जनों राज्य सरकारों को तोड़ा है, क्या वो संविधान संवत है? हमारे सांसद इसी संविधान को बचाने के लिए तो संविधान लेके जा रहे हैं और हम इसी संविधान को लेके ही जनता के मध्य गए थे, क्योंकि आप देखेंगे विगत 10 वर्षीय सरकार में इन प्रधानमंत्री ने कुछ चंद धन्ना से जो इनके अपने हैं, जिनके प्लेन में उड़ते हैं, जिनके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो इनके गृह राज्य से आते हैं, उनको छोड़कर इन्होंने किसी का विकास नहीं किया। इन्होंने 10 सालों में विकास जिनका करना चाहिए था, जो मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, किसान की आय दोगुनी, क्या 2022 निकल गया किसान की आय दोगुनी हुई? नहीं। महंगाई पर बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सामान तक जीएसटी का जो बोझ इस सरकार ने लगाया है, दूध से लेकर कफन तक, उस पर प्रधानमंत्री कभी जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। देश के पास मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदैव मौन बैठे रहेंगे और इतनी नीचता के साथ पता नहीं कैसे विपक्षी दलों को ये कहने लगते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जब सर्वसम्मत की बात आती है तो आपको इस बात को याद करना चाहिए कि आप अभी 70वीं लोकसभा। अरे भाई, उन्होंने याद तो दिला दिया कि आपातकाल में क्या कुछ हुआ था। नहीं देखिए, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो आपातकाल में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, किसी से छुपा है क्या? नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर जो चीज गलत कभी किसी कालखंड में रही है उसको हम दोहराने का प्रयास तो नहीं कर सकते ना। हम अपेक्षा नहीं करते कि एक बार आपातकाल लगा था तो एक बार अघोषित आपातकाल, क्या ये अघोषित आपातकाल से कम इस देश के लिए कि विपक्षी सरकार जो सरकारें हैं दर्जनों को गिराई जा रही हैं कुछ चंद धन्ना सेठों के दम पे, जो ईडी सीबीआई और जितनी भी न्यायिक एजेंसी हैं, जांच एजेंसी, उनका दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं पर ही छापे पड़ रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ विषय है? बिल्कुल भी शुभ विषय नहीं। बताइए, न्यूज क्लिक जैसे संस्था के जो पत्रकार हैं उनको उनको गृह मंत्रालय ने कैसे टॉर्चर किया है, उन पर हाईकोर्ट के क्या रिएक्शन आए हैं? तो क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? यह देश देख रहा है कि अघोषित आपातकाल को रचने वाले विगत 10 वर्षों में इस बार जनता ने इन्हें इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये कह कुछ सकते हैं,
लेकिन यकीनन ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको जनता के काम करना करने पड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर सदन तक आम गरीब नौजवान किसान मजलूम इन सभी की लड़ाई लड़ेगा और संविधान सम्मत लड़ेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ संसद में नजर आए। यशवीर जी, यश भारती जी, आवाज आ रही है? भाई केसी जैन साहब कह रहे हैं आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल के आपको उदाहरण भी दे दिया पहले ही दिन। समाजवादी पार्टी, याद है मुझको, आपातकाल का धुर विरोधी रही है, आज आप और कांग्रेस दोनों साथ साथ हैं। आपातकाल की जो घटना थी उसका समर्थन कोई भी नहीं, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी उसको एक दुर्घटना मानते हुए कई बार उसमें खेद प्रकट कर चुकी है, माफी मांग चुकी है देश से, अलग अलग नेता अलग अलग समय पर। जी, जाति जनगणना के मसले पे भी राहुल गांधी जी ने माफी मांगी कि हमारी पिछली सरकारों ने कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के लिए काम नहीं किया, उसके लिए हम क्षमा मांगे। तो जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की वो क्षमा मांग रही है, उनके यहाँ इस्तीफे होते थे, हिम्मत रखते थे विपक्ष के, जो आज जो मौजूदा विपक्ष है वो हिम्मत रखता था जब भी उसको सत्ता में जाने का मौका मिला कि अगर कोई गलत फैसला हुआ तो उस फैसले को वापस लिया, उस पर शर्मिंदगी रखी, खेद प्रकट किया, इस्तीफे हुए अगर किसी ने कोई गलत काम किया, नैतिकता के आधार पे बातें होती थी। लेकिन आप देखिए, ये सरकार के आते ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते हैं। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि आप नैतिकता और संवेदनाओं को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, और आपके कहते हैं एनडीए की सरकारें इस्तीफे नहीं होते। यानी पूर्व की सरकारें ने जो नैतिकता के आधार पर, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जिन्होंने सदन से इस्तीफा दे दिया था जब जैन हवाला कांड में उनका नाम आया था, और भी अन्य लोग रहे तो सीधे सीधे उनके मुंह के मुतालिक पर उतरने का काम किया, अपने ही नेता का अनुसरण नहीं करते। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी एक गलत पल और गलत क्षण मान के चलती है और उसका विरोध करती है तो निश्चित तौर पर विरोध करे, एक रवैया रख ले, एक स्टैंड ले ले कि हाँ हमको विरोध करना है और हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। और अगर आप समर्थन में नहीं है तो क्यों इंदिरा गांधी और गांधी परिवार से आने वाली जो उनके पुत्र थे संजय गांधी जी, जिनका इमरजेंसी में एक महत्वपूर्ण योगदान था, उनकी पत्नी इंदिरा गांधी जी की बहू मेनका गांधी को क्यों संसद भवन भेजने का काम करते हैं, क्यों प्रत्याशी बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों केंद्रीय मंत्री बनाते हैं जब वो जीत जाती हैं, उनके बेटे वरुण गांधी को क्यों संसद में भेजने का काम करते हैं, क्यों टिकट देने का काम किया पूर्व में। तो दोहरे मापदंड गांधी परिवार से एक तरफ आप उदाहरण देते हैं परिवारवाद का, दूसरी तरफ आप इमरजेंसी की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, तो आपातकाल में मेनका गांधी और वरुण गांधी कैसे छूते रह जाएंगे, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समझा दें। क्या वो इंदिरा गांधी जी का परिवार नहीं है, क्या वो संजय गांधी जी का परिवार नहीं है जो आपातकाल के लिए सीधे सीधे तौर पे गलत माने जाते हैं, दोषी माने जाते हैं, जो भी शब्दावली कर ले, लेकिन उस आपातकाल को किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे स्वीकार कर लेती है मेनका गांधी जी को और वरुण गांधी जी को, ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि मोदी जी चूंकि विपक्षी दलों को जवाब अपने अंदाज में देना जानते हैं, आप लोग संविधान लेकर के आज संसद में पहुंचने वाले थे, उन्होंने पहले ही याद दिला दिया कि कांग्रेस काल में किस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। बहरहाल जैन साहब से जवाब ले लेते हैं, जैन साहब जवाब दे दीजिए भाई। देखिए, बहुत ही हल्का प्रश्न समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है। देखिए, विचारधारा जो पढ़ाई जाती है वो पार्टी की पढ़ाई जाती है। तमाम सारे लोग जो पहले कांग्रेस में थे आज भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री भी है, इन्होंने सिर्फ नाम लिया एक व्यक्ति विशेष का। और दूसरी बात यह है कि जब गायत्री प्रजापति जो गैंग रेप के मुलजिम होते हैं, अभी गायत्री प्रजापति को यहाँ मत लाइए, मेरे ख्याल से गायत्री प्रजापति को छोड़ करके कुछ बात हो जाए। हाँ,
मेरी मेरी बात सुन लीजिए, जवाब मेरा सुन लीजिए जी। जिस समय गायत्री पत्नी को टिकट देते हैं, तब ये नहीं कहते हैं कि उनकी पत्नी है इसलिए उनको टिकट नहीं देना चाहिए, ये क्या कहते हैं कि उनको अलग है, सजा उनको हुई है। और जब और वही गायत्री प्रजापति जी की पत्नी से आप संसद के लिए चुनाव करवाते हैं, स्मृति ईरानी जी प्रचार कराती है, तब वो ठीक हो जाती है। लेकिन यश भारती जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। जो आपने विषय रखा है उसका नहीं, उसका जवाब ले लीजिए। जो आपने मेनका गांधी पर सवाल उठाया है उस पर जैन साहब का ये जवाब है। हाँ, मतलब अगर उसपे ये जवाब है तो फिर मैं बात ही क्या करूं, फिर डिबेट पे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। दूसरा व्यक्ति सवाल का जवाब मांगिए ना, पार्टी पर जा सकता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि से अगर हम इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी को जोड़ते हैं तो मेनका गांधी और वरुण गांधी उससे अच्छे कैसे हो जाएंगे? जैन साहब परिवारवाद और इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। यश भारती जी का सीधा सवाल ये था कि भाई आपातकाल को लेकर के प्रधानमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन संजय गांधी की भूमिका, स्वर्गीय संजय गांधी की भूमिका कौन नहीं जानता है आपातकाल को लेकर के? नहीं देखिए, वही तो बात मैं कह रहा हूं कि देखिए विचारधारा पार्टी की, दूसरी बात ये है कि एक ही परिवार के कई सारे लोग अलग अलग पार्टियों में है, तो समाजवादी पार्टी में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी, अन्य पार्टी में भी है। और हमने एक सवाल उठाया उसमें तिमिला गए कि एक अपराधी एक गैंगरेप के मुलजिम की पत्नी को टिकट आप क्यों देते हैं? पूरे जवाब नहीं है, इमरती और चली भी बनाने लगे, कई सारे उन्होंने काम किया, ये जवाब नहीं है। मुख्तार अंसारी, ये जवाब नहीं है। अगर नेहरू संसद संसद पर हम चर्चा करें, जैन साहब संसद पे हम चर्चा कर रहे हैं भाई, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी में निकल लेंगे दूसरी रास्ते से। विषय आए हैं जो इन्होंने आपातकाल के पति पत्नी भाई बहन परिवार के सदस्य थे, तो परिवार की बात ये लेकर के आए हैं ना, तो जवाब तो परिवार का ही होगा। ठीक है, परिवार से क्या मतलब होता है विनय जी, क्या मतलब नहीं होता है परिवार से? ठीक है विनय जी, आपातकाल का जब जिक्र छूट गया तो मुझे भी एक वाकया याद आ गया। तब मैं एक निजी चैनल में रिपोर्टर हुआ करता था और राहुल गांधी नई नई राजनीति में आए थे, पहली बार सांसद बने थे। मुझे आज भी याद है कि अमेठी के दौरे पर थे और वहाँ पर एक झूठे बाबा का मजार है। कहा जाता है कि उस मजार पर जो भी जाता है वो कभी झूठ नहीं बोल पाता है। उसका दर्शन किए, हम लोग भी कवरेज कर रहे थे, उसमें बड़ा क्रेज होता था। बड़ा दिलचस्प वाक्या है, फिर आपसे सवाल लेते हैं। वहाँ से चंद कदम की दूरी पर हम मीडिया वाले पीछे पीछे लगे हुए थे। हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी मीडिया से बात कर लीजिए, तो हम और हमारे सहयोगी थे, राहुल गांधी एक पेड़ कटा हुआ गिरा हुआ था उसी पर बैठ गए और मीडिया से बात होने लगी। उनसे पूछा गया कि क्या आपातकाल को आप सही मानते हैं? पता नहीं झूठे बाबा मजार की चमत्कार या जो भी हो, राहुल गांधी बोल दिए कि नहीं, आपातकाल देश के लिए बहुत ही घातक था। उसके बाद तमाम तरह के डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होने लगी, सारे खबरिया चैनलों पर हम लोग लाइव खड़े हो गए कि भाई राहुल गांधी ने माना कि उनकी दादी का लगाया गया आपातकाल देश के लिए घातक था। राहुल गांधी अपना दौरा स्थगित करके दिल्ली चले गए। फिर तमाम जो वरिष्ठ जन थे उन्होंने अपने ढंग से उसका विश्लेषण पेश किया। ये हकीकत की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, सवाल तो है ना, अभी स्पीकर का चुनाव होना है, डिप्टी स्पीकर की बात विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है, जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये हो रहा है कि गैर कांग्रेसी डिप्टी स्पीकर देने को शायद सत्तारूढ़ दल तैयार है, तो ये जानबूझ करके एक विवाद खड़ा करने की कोशिश मानी जाएगी या क्या? क्योंकि भाई कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा विपक्ष में सांसद हैं, तो डिप्टी स्पीकर तो उसी का हो सकता है ना। लेकिन सरकार को, चूँकि सत्तारूढ़ दल को ये तय करना होता है कि वो डिप्टी स्पीकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये संसदीय परंपरा है हमारी। लेकिन ये तमाम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आने वाले दिनों में संसद में हंगामे की पृष्ठभूमि तो लिखते हुए नजर आ रहे हैं ना विनय जी। संजय जी, स्पीकर किसका होगा, डिप्टी स्पीकर किसका होगा, इसके चयन के केवल दो ही तरीके हैं जी। लोकसभा, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोकसभा के मेंबर वही डिसाइड करते हैं जी। यहाँ दो ही तरीके हैं इन पदों को भरने के लिए, या तो आपसी समन्वय से स्पीकर का चुनाव हो जाए और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाए जी, या फिर नंबर गेम।
अब ये तय तो पक्ष और विपक्ष को भी करना है, अभी सदन की कार्रवाई नहीं चली है, संविधान अभी से खतरे में आने लगा, संविधान की कापियां अभी से आने लगी, अभी तो शपथ लेनी है, ठीक है ना। तो समन्वय दिखाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। आप संविधान की कॉपी लेके आएंगे, वो आपातकाल बताएंगे, तो समन्वय तो है नहीं जी, ऐसा तो लग नहीं रहा, पहले ही दिन आ रहा कि समन्वय तो नहीं है। अब बात आती है नंबर पे, तो जाहिर सी बात है अगर नंबर जिसके पास है वो उसके पास वो होगा, डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो। दूसरी चीज मैं एक और इसी 18वीं लोकसभा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये 18वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा से कुछ एक मामले में अलग है, बाकी किसी मामले में अलग नहीं है। कमोबेश ये वही प्रधानमंत्री हैं और ज्यादातर वही कैबिनेट है, भले ही एनडीए की सरकार हो, ये दिखती है कम एनडीए की सरकार, लेकिन ज्यादा दिखती है मोदी की सरकार। चाहे वो जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हो, कैबिनेट का गठन हो, सहयोगियों को कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन हो, या स्पीकर सहयोगियों को देना है या भाजपा को अपने पास रखना है, कमोबेश जो भी चीजें आ रही हैं, खबरें जो आ रही हैं अभी तक, या जो चीजें सामने आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में, तो उसमें यही चीज समझ में आ रही है कि केवल और केवल मोदी की ही चल रही है। अब वो कैसे कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो क्या आपको लगता है थोड़ा बहुत संसद की ये जो कार्रवाई होनी है, एक तरफ संविधान लहराया जा रहा है, संविधान के प्रतियां लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग पहुंच रहे हैं, और एक तरफ आपातकाल जैसे चीजों पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए संजय जी, इसमें मैं एक चीज और एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि जो 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि 17वीं लोकसभा में विपक्ष कमजोर था, 18वीं लोकसभा में हिंदुस्तान की जनता ने विपक्ष के ऊपर भरोसा 17वीं लोकसभा की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उतना दिखाया है कि वो पक्ष में बैठे, इतना ही दिखाया कि वो अभी भी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन अपनी मजबूती के साथ आवाज अपनी बात रखें। तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा में जनता ने विपक्ष को दी है कि आप 17वीं की अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदार हो, हमारी बातों को ज्यादा जिम्मेदारी से रखें, ना कि आप अभी भी चुनावी माहौल में रहें, बेरोजगारी, महंगाई, ईडी, सीबीआई और ये सब मुद्दे जो है, संविधान बदलने की, ये सब चुनाव गया, अब जब फिर चुनाव आएगा तब ये मुद्दे आप उठाइएगा, और अगर इन्हीं मुद्दों पे आप बैठना चाह रहे हैं तो सिंपल सा चीज है कि आपके विपक्ष के घटक दल को जो है ईडी सीबीआई ने अरेस्ट किया और दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत गई, अब वो जनता ने तो दिया होगा ना वोट, ठीक है, जनता ने किसको किसके पक्ष में वो रख दिया। अमित जी कुछ बोलना चाहिए, चुनावी माहौल है, इनको आप वहां पे रखिए। अब आप सदन जवाब देना चाह रहा था, ये महंगाई, बेरोजगारी और ये महिला सम्मान, किसान उत्पीड़न, ये सब चुनाव के विषय नहीं है सर, ये देश के विषय हैं और ये देश के विषय सदन में ही उठाए जाएंगे। हम अगर इस बात को कहकर के अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि हम महंगाई, बेरोजगारी, नारी अस्मिता पर हो रहा खिलवाड़, मणिपुर और किसानों के साथ हो रहा जुल्म, एमएसपी की गारंटी चुनावी मुद्दा थे, तो हम देश का भला कभी नहीं कर सकते, और कांग्रेस पार्टी सदैव इसे सदन में उठाएगी और सड़क पर भी उठाएगी। हम इन्हें चुनावी मुद्दे नहीं मानते, हाँ ये जरूर मानते हैं कि ये चुनाव में जाते वक्त चुनाव एक माध्यम है जनता के सरोकार से जुड़ने का, उसमें हम जो बात कहते हैं वो सदन में भी हम प्रतिबद्धता के साथ उठाएंगे। नहीं निश्चित, हाँ विनय जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपने मित्र की बात से 100% सहमत हूँ कि ये मुद्दे अब जनता के बीच से उठ के अब सदन में आ गए हैं, तो सदन में आप कैसे उठाएंगे जब सदन चलेगा? सदन अगर नहीं चलेगा तब आप, अब वो अब समय नहीं है कि आप गांधी प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लेके बैठिए, अब सदन में आइए, अब जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, आप वहां पे अपनी बात रखिए, रिकॉर्ड में वो चीजें दर्ज हों और उनपे आपके ऊपर जनता ने ज्यादा भरोसा किया है, इसलिए आपको ज्यादा मुखरता के साथ सदन के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि किसी और माध्यम में। जी यश जी, ठीक है, मैं विनय जी की बात का जवाब, उससे पहले मैं आपातकाल के लिए सवाल किया था तो केसी जैन साहब जवाब नहीं दे पाए, उनका ज्ञान वर्धन कर देता हूँ, कभी किसी दूसरे डिबेट में ना फंसे, थोड़ा रिसर्च कर ले और तैयारी करके आए। जगमोहन मल्होत्रा जी को जानते होंगे, जिनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में स्टेबल किया, राज्यपाल बनाया और तमाम चीजें करी,
जो आपातकाल में बड़े सहयोगी और बड़े हीरो का काम किया उन्होंने, आपातकाल की अगर बात लिखी जाएगी तो जिन्होंने काम किया, संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी जी के बारे में बता ही चुका मैं, विद्याचरण शुक्ल जी के बारे में पढ़ लें, जवाब नहीं दे पाएंगे वो पहुंच जाएंगे इधर उधर जलेबी और इमरती बनाने की। मुझे विनय जी की बात का जवाब दे, विनय जी ने जो कहा कि आप सदन के अंदर रहिए और सदन के अंदर सवाल कीजिए, जनता की बात रखिए, तो सदन के अंदर जब जनता की बात उठाई जाएगी तो सदन से ही बाहर फेंक दिया जाएगा, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, तब वो गांधी प्रतिमा के बाहर अगर बैठते हैं तो और क्या रास्ता बचेगा उनके पास इस लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने के लिए। जो रास्ते बचेंगे सांसदों के पास, जो खटाखट और फटाफट के वादे किए हैं वो सरकार में आने के लिए किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे लोग वो तो उम्मीद करते हैं विपक्ष में रहते हुए योजनाएं ले आएंगे, 1,00,000 रुपए दे दीजिए गरीब महिलाओं को रोजगार, दे दीजिए 30,00,000 रोजगार, अपनी नाकारा और निकम्मापन छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों से उम्मीद करते हैं कि पूरी करेंगे अपनी बातों को। तो हम तैयार हैं, हम विपक्ष में रह करके भी सदन के अंदर बात करेंगे, वादे पूरे करवाने की कोशिश करेंगे। अब सदन में सरकार कितनी अच्छी है, सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आती है, भावनात्मक है, कुछ उसको दिक्कतें महसूस होती है कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इस पे अगर शर्मिंदगी आती है सरकार को, नैतिकता मानती है तो नैतिक आधार पे फैसले लेने होंगे, इसके लिए हम बात करने का प्रयास करें। और ये प्रोटेम स्पीकर उसी बात से जुड़ा हुआ एक निर्णय है। ठीक है जैन साहब भाई, जवाब दे दीजिए। संजय जी जो ये बार बार बात कह रहे थे कि आपातकाल में ये थे इनको आपने ले लिया, ये थे इनको आपने ले लिया, तो इनसे हमने पूछा, अपर्णा यादव जी भी आज हमारे साथ हैं, शिवपाल जी आपसे बगावत किए थे, शिवपाल जी भी एक तरीके से हमारे पक्ष में खड़े थे, और सवाल का जवाब कहां पहुंच गया, यहां तक जानकारी पहुंच गया, जी की हत्या समाजवादी पार्टी ने तरफ खाना पड़ता है, इस पे बोलने के लिए कुछ मैंने देखा ये बोल नहीं पाएंगे, कम से कम रिसर्च कर लें, जयमान मल्होत्रा जी का किसी परिवार से लेना देना नहीं, पदाधिकारी की पत्नी को टिकट दे देते, किस तरीके से झुग्गियां उजाड़ी है, गरीबों को उजाड़ा है, जैन साहब दिल्ली के अंदर, जैन साहब कहां गायत्री पार्टी में शामिल हो, प्रजापति पर कांटा अटक रहा है, लेकिन अमित आ जाएंगे अभी, दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं कि हम भाई लेकर के आएंगे एमएसपी कानून लेकर के आएंगे, 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता के मुंह से चू तक नहीं हुई कि एमएसपी कानून आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आपने मांग नहीं की, क्यों आपके मुंह में दही जम गया था, या आप कानून लेकर के आए थे, मुंह में दही आपके जम जाता है, आपको अगर जानकारी नहीं हो तो दही जो मुंह में जमा लेते हैं तो खा लीजिए, सेहत बन जाएगी, बुद्धि में कुछ पड़ेगा, आप ये कानून लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। देखिए आपकी जो घोटाले हैं, जब घोटालों की जांच हो तो सीबीआई गलत, आपके जो बैंक बैलेंस की जांच हो जाए नवीन जिंदल घोटाले बाद थे जब तक कांग्रेस में थे, अब नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आपके पक्ष में हो तो सारी चीजें सही। अब यही चुनाव आयोग अच्छे से काम करने लगा क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है। जैन साहब एक सुझाव मेरा भी ले लीजिए, जब घोटाले और भ्रष्टाचार की बात होगी ना तो जो लिस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देती है ना, जनता ने उसको कहीं ना कहीं आत्मसात किया और इसीलिए परिणाम इस तरह के आए, अब ऐसी गलतियां ना हो। देखिए ये तो एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिसपे ये वार कर रहे हैं वही इनके गले की फांस बन रही। आप देखिए एमएसपी पे जवाब नहीं दे पाए, इन्होंने एमएसपी कानून अपने
अरे मान लीजिए जैन साहब मनमोहन सरकार ने नहीं दिया उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ नहीं थी, अब मान लो कि वो मांग रख रहे हैं तो मोदी जी पार्ट थ्री में उसको पूरा कर दें, काम खत्म, किसान भी खुश और आपकी भी वाहवाही। संजय जी ऐसा नहीं था साथ नहीं, समर्थन दे रही थी समाजवादी पार्टी लगातार 10 साल तक इसी कांग्रेस सरकार बाहर से, हाँ पूरे 10 साल तक। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और मायावती ने दोनों लोगों ने समर्थन दिया था मनमोहन सिंह जी की 10 साल तक सरकार को, 2004 से लेकर 2014। लोकतंत्र के हर समय परिभाषा देता हूँ जैन साहब एक सवाल ले लीजिए फिर यश भारती जी के पास जाएंगे, एक सवाल ले लीजिए। जनता जब सत्ता परिवर्तन करती है ना, तो जो मौजूदा सरकार होती है उसको अगर बदलती है तो सिर्फ इस उम्मीद से कि पिछले सरकार में जो गलतियां हुई थी वो इस सरकार दुरुस्त कर देगी। मनमोहन सरकार मान लीजिए MSP नहीं दिया तो क्या आप ये 10 साल का आपका कार्यकाल और पार्ट थ्री भी शुरू हो गया, आप वो कमियां दूर कर दो ना, आरोप लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप डंके की चोट पर चैनल पर बोल पाओगे। देखिए नहीं संजय जी, हमने बहुत सारी कमियां दूर की है। जिस प्रकार से राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते 75 पैसे पहुंचता, वो घोटालेबाज कांग्रेसियों के हटने के बाद में हमने ये काम किया कि हम 6,000 रुपया भेजते पूरा 6,000 रुपया किसानों के खातों में पहुंचता है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के खातों में भेजा है किसान सम्मान निधि के द्वारा, 2.5 लाख करोड़ है ना। लेकिन हकीकत ये भी तो देखो कि आधार बनाने की शुरुआत किसने की, राहुल गांधी के पहल पे UPA 2 सरकार में ये शुरू हो गया था ना। बात ये है कि घोटाला करने के लिए ये जो लूप होल जानबूझ करके छोड़ रखे थे उन लूप होलों को भरने का काम किसने किया, और ऐसा नहीं है ये तब भी हो सकता था कि घोटाले ना हो, लेकिन घोटाले जानबूझ करके जब किए जा रहे हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब सिक्योरिटी गार्ड ही लूट करने का काम करने लगे, बैंक मैनेजर ही घोटाला करने लगे, तब रक्षा कैसे हो सकती है। यही काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने इन सारी चीजों पे लगाम लगाने का काम। ठीक है यश भारती जी बोल लीजिए फिर अमित के पास चलते हैं। देखिए मुझे समझ में नहीं आता किसी जैन साहब कौन से रास्ते पे गाड़ी चलाने लगते हैं, कभी सही दिशा में चलते हैं आप सवाल पूछते हैं या मैं सवाल पूछता हूं तो रॉन्ग साइड चलने लगते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर सामने वाली गाड़ी पे आरोप लगाते हैं, रॉन्ग साइड खुद चलते हैं और आरोप लगाते हैं सीधी तो सीधी आने वाली गाड़ी पे। सवाल का जवाब तो सवाल नहीं हो सकता ना, जवाब व्यक्तिगत तर्क से आप बताइए, आरोप प्रत्यारोप और बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं, एक एक करके तर्क से आप तर्क का जवाब दीजिए तो जनता उसको पसंद करती है। यश भारती जी बोलिए, आप क्यों भाग रहे हैं, बोलने नहीं देंगे ना, तो भाजपा नहीं नहीं जैन साहब आप नोट करो, भाजपा का अनुशासन चलिए यश भारती जी बोलिए जी। जो बात इनसे पूछी जाती है उस पे जवाब नहीं देते, इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि 2004 से लेकर के 2014 तक हमने समर्थन दिया, हमने समर्थन दिया उसमें बड़ा कारण था कि भारतीय जनता जवाब ले लीजिए जैन साहब, आपका आप ही के सवाल का जवाब है, जरा सुन लीजिए ना जैन साहब, जरा सवाल जवाब ले लीजिए ना। अभी शुरू किया और आपको कीड़ा काटने लगा भैया, जी जवाब दीजिए यश भारती साहब, इतनी देर में जवाब दे पाए, समय कम होता है चर्चा में, समय कम होता है महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता है। हाँ जी जैन साहब आपने जो आरोप लगाया था मनमोहन सिंह वाला, जरा जवाब दे रहे हैं उनका सुन लीजिए ना यश भारती जी का। जैन साहब जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए जी, बोलिए बोलिए, गड्ढे में खुद से कूदना पड़ जाएगा उसको ढक्कन लगाना पड़ेगा। नहीं ठीक है चलिए बोलिए बोलिए स्वार्थी साहब। देखिए इन्होंने कहा कि हमने यूपीए सरकार को समर्थन दिया, यूपीए सरकार को हमने जो समर्थन दिया बाहर से वो पूरी तरीके से ये जो इनका तानाशाही रवैया है, जो संघीय ढांचा है RSS का, उसको रोकने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समर्थन दिया, और जो हमारे विषय थे उन विषयों को लगातार हम उठाते रहे, आरक्षण के लिए, संविधान के लिए, जातिगत आरक्षण के लिए, हमारे किसानों के लिए महिला आरक्षण का हमने लगातार विरोध किया, इस बात को लेकर के महिला आरक्षण के हम तभी समर्थक रहेंगे जब शोषित वंचित समाज की महिलाओं को भी उसमें स्थान मिलेगा, नहीं तो जिस तरीके से मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है शोषित वंचित समाज, महिलाओं में भी शोषित वंचित समाज का जो वर्ग है
वो वंचित रह जाएगा इस महिला आरक्षण के माध्यम से भी जी। तो हमने विरोध किया, समर्थन किया, हर चीज के लिए देश की उन्नति हो, तरक्की हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देना कि उन्होंने किसका जाति जनगणना के लिए आवाज उठाई, महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाई कि शोषित वंचितों को आरक्षण मिलना चाहिए, 30 लाख पद क्यों खाली है इस बात का जवाब दे। अग्निवीर योजना के लाभ ये नहीं बता पाते क्योंकि अधिकारी वर्ग के लिए तो अग्निवीर योजना लेके नहीं आए, पर सैनिक जो बेचारा सीधे गोली खाएगा उसके लिए अग्निवीर योजना लाया ताकि उसको शहीद का दर्जा ना मिल सके। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए जो सैनिकों को सम्मान देने का काम किया, जो उनको विशेष अधिकार देने का काम किया, वो आजाद भारत में किसी भी रक्षा मंत्री ने देने का काम नहीं किया, तो स्वागत योग्य काम। और दूसरी बात, हमने अच्छे काम किए तब तो श्रद्धेय नेताजी को पद्मश्री देने का काम इनकी सरकार इनके लोगों ने किया, तो ये कैसे लांछन लगा देते हैं? तो सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि अगर हम गलत थे तो पद्मश्री कैसे, अन्य पुरस्कार कैसे, हमारी तारीफ कैसे? ठीक है जैन साहब, जवाब दे दीजिए। विषय ये है, सदन चलेगा सवालों के जवाब से, जनहित के फैसलों से। जनता ने जो हमें ताकत दी है उस ताकत का गैरवाजिब इस्तेमाल नहीं करेंगे। समय कम है जैन साहब, जवाब दीजिए। देखिए, ये एमएसपी पे जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि एमएसपी की उन्होंने कभी कोई मांग नहीं। दूसरी बात कि आपातकाल पे इनको बोलते नहीं बन पा रहा है, जिस प्रकार से आपातकाल का विरोध माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार करते रहे और वो आपातकाल में जेल भी गए, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता लोलुपता में कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। जगमोहन मल्होत्रा ने जिसने दिल्ली से गरीबों की झुग्गियां उजाड़ दी, आशियाने उजाड़ दिए, आप उसको राज्यसभा भेजते हो फिर हम आरोप प्रत्यारोप पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि संसद कैसे हंगामेदार होने वाला है, केंद्र में मंत्री बनाते हो, जब हमारी चर्चा में इतने सारे आरोप प्रत्यारोप है तो वहाँ तो सारे सांसद चुन करके गए। ठीक है अमित, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए क्योंकि सारा हो चुका है, चर्चा समाप्त करने का। महिला आरक्षण पर इन्होंने हमेशा विरोध किया। ठीक है, अमित की बात सुन ले हैं। एमएसपी को लेकर के केसी जैन साहब अपनी जानकारी दुरुस्त करें और वह बताएं कि जब एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था एमएसपी। अमित की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। गारंटी को लेकर के जब किसान धरना प्रदर्शन के लिए आए, इनके लिए आए, जब किसान धरना प्रदर्शन के लिए आए, पाले में ढनगाने से नहीं होगा। चलिए अभी एमएसपी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा आगे भी होगी। आज तो सिर्फ संसद की कार्यवाही पर चर्चा है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमें यहीं तक इजाजत देता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब हमारे चर्चा में तमाम दलों के नुमाइंदे जब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रखते हैं तो संसद की कार्रवाई कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी। हालांकि निश्चित तौर पर 26 जून को होने वाले स्पीकर के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कितनी ताकत है। ये तो तय है कि सशक्त विपक्ष है, लिहाजा सत्तारूढ़ दल के सामने भी चुनौती है कि कैसे वो संसद की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चला सकें। और जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि सरकार को कैसे वो अपने कदमों में झुकाने की कोशिश करे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता, प्रथम तल वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव।
संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी .com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति, बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी।